एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 3। द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2, डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बी 2.1। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द बॉल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 8.9 ग्राम्स है, तो बताओ बॉल का वेट कितना होगा। पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्या होता है जपरीत वॉल्यूम, पंप राघव फॉर्मूला बोलो, मेयर रूल 4/3 pi r³। मेयर नूर आगे आ जाओ, बैठ जाओ। R is 2.1 into 2.1 into 2.1, remove the decimal, it will give you 1000 in the denominator, 88, 21 into 21 is 441 upon 1000, multiply it and divide it with 1000, the answer will be in decimal form. आंसर बोलो इसका क्या है। सेंटीमीटर क्यूब, 38.808, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है, देन व्हाट इज द वेट ऑफ 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई कर लो इन्हें, आंसर ग्राम में आ जाएगा, देन कन्वर्ट इट टू केजी बाय डिवाइडिंग इट विद 1000, ग्राम से केजी में जाना है। मल्टीप्लाई किया है कि आंसर देखा है, दिखाओ इधर आओ, इधर आओ, दिखाना जरा मल्टीप्लाई, बैठ, बैठने के लिए था ही वैसे भी, है ना, करा है मल्टीप्लाई, वेट करो, हाँ जी कोई बताएगा तो आंसर नोट करेंगे हम। नाइन वन डेसिमल, कहाँ आ रहा है डेसिमल, यहां आएगा, ये ग्राम में आ रहा है, चलो जो भी आ रहा है, 921 आ रहा है या 12 आ रहा है, देख लेना बुक में, आंसर ग्राम में गिवन है, क्यों बता सकते हो क्यों ग्राम्स में गिवन है, केजी और ग्राम का रिलेशन क्या होता है, 1000 का होता है, ये आंसर 1000 से कम है, 345, अगर 1000 से ज्यादा होता है तो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है समझ आई, अगर ये आंसर 1000 से ज्यादा होता तो डिवाइड कर, तो इसको केजी में चेंज करते, बिकॉज इट इज नाउ लेस देन 1000, सो यू विल लीव द आंसर इन ग्राम, तो यही आंसर आएगा 345.3939 ग्राम्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो।
अगर 1000 से ज्यादा होता तो आप इसको केजी में चेंज कर देते, बट नाउ यू विल लीव इट एज इट इज। मिस्टर कांत उठो उठो, हाँ जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर इज अगेन सेम, वी हैव डन द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट रिलेशन इज सेम हियर, बट अर्लियर वी हैव गॉट द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, नाउ वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ मून को ले लो स्मॉल आर, ये पहले भी किया हुआ याद हो अगर तो। रेडियस ऑफ मून स्मॉल आर, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर। नाउ डायमीटर ऑफ मून इज ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर, स्टॉप राइटिंग। Diameter of Earth is twice of capital R. 4R is equal to capital R. Radius of Earth is 4 times the radius of the moon. This relation we have got. Now, what is the ratio of the radius of the two circle? Two things. What is the ratio of the radius of Earth and moon? Agar ratio puchhi ho aapse, agar मून अपॉन अर्थ की रेडियस की रेशियो पूछी हो तो 1/4, और अगर अर्थ अपॉन मून की रेडियस की रेशियो पूछी हो तो 4/1। ठीक है, ये भी आ सकता है रेशियो। ठीक है, नाउ वी हैव गॉट द रिलेशन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। बता सकते हो इसका क्या मीनिंग है? रेशो नहीं पूछी उसने, वो कहता है अर्थ के वॉल्यूम का कौन सा पार्ट जो है वो मून का वॉल्यूम है। मतलब समझे नहीं आप मैं क्या पूछ रही हूँ। उसने डायरेक्ट रेशो नहीं पूछी, उसने ये पूछा है कि जो वॉल्यूम ऑफ मून है वो अर्थ का कितना फ्रैक्शन है। मतलब कौन ऊपर आएगा? मून, क्योंकि मून छोटा है वहां से उसके साथ रिलेशन में। तो वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ अर्थ पूछ रहा है मून का अर्थ के साथ कितना फ्रैक्शन है। मतलब फ्रैक्शन मतलब रेशियो पूछ रहा है। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 pi, इसका 4/3, ये कैंसिल। आर अपॉन कैपिटल आर कितना है? क्या आएगा आंसर? मतलब जो वॉल्यूम ऑफ मून है दैट इज 1/64 फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम की बात कर रहा है, सिर्फ बाहर की बात नहीं कर रहा, पूरा वेट की बात कर रहा है। अंदर जितनी कैपेसिटी है, जो मून का वॉल्यूम है वह 1/64 है वॉल्यूम ऑफ अर्थ के। हाँ जी, हो सकता है फुल फ्लेज क्वेश्चन ना आके 1 मार्क तक यहीं तक आ जाए। जब भी रेशियो लिखनी होती है वैल्यूज नहीं पुट करते, कभी भी कटिंग हो जाती है। लायो आप ही लायो टेस्ट वाली शीट, लायो जो लाए वो दे, जो नहीं लाए वो कर लिया। आवाज नहीं, देना किसी और ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमी स्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। वॉल्यूम ऑफ बाउल फाइंड करना, इसमें कितना लीटर मिल्क कंटेन हो सकता है। सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको लीटर में चेंज करना है। ये कर लोगे आप खुद। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम फाइंड करके सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसे चेंज कर लेना। अब यूनिट बताओ, ऐसा बोलो, जो भी रिलेशन आता है मीटर का आता है लीटर के साथ तो वो बता दो, सेंटीमीटर का आता है तो वो बता दो। वन मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है, ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ द आयरन शीट ऑफ 1 सेंटीमीटर थिकनेस। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसकी थिकनेस जो है, थिकनेस मतलब ये जो मटेरियल है इसकी थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, इसका इनर रेडियस 1 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन, ये निकालना है। क्या करेंगे? आउटर माइनस इनर, इनर रेडियस आ जाएगा 1 मीटर, आउटर रेडियस क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में है, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, थिकनेस प्लस कर दोगे तो यहां से यहां तक का रेडियस आ जाएगा ना, ये सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में चेंज करो, 1.01 मीटर। इसको 1000 से डिवाइड करोगे ना, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.01 मीटर, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। मैं यही वेट कर रही थी कौन बोलेगा, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करो, 2/3 1.01 क्यूब माइनस 1 क्यूब, इसका क्यूब करके माइनस कर लगा सकते हैं। आपको आता है फॉर्मूला AQ माइनस BQ, आता है फॉर्मूला AQ माइनस BQ का? नहीं आता, दिया हुआ है पॉलीनोमियल। AQ माइनस BQ A माइनस B इंडिविजुअल क्यूब है, A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A। A माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हाँ जी लिखनी है, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, पर कोई नई चीज आती है तो उसे अप्लाई करो, फिर सीखने का फायदा क्या, अगर अप्लाई नहीं करना तो मल्टीप्लाई करो 2 times, क्या आएगा, 101 into 101 प्लस कर दो,
मल्टीप्लाई करो इसे। आप क्यूब करके कर लो, क्यूब करके करोगे ना तो ये आ जाएगा सीधा माइनस कर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हूज सरफेस एरिया इज 154। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हूज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया इज गिवन। सरफेस एरिया इज Which solid we are talking about? Here, क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? मीटर है, सेंटीमीटर है। 4πr² is equal to 154. Pi is 22/7. Radius is r square. You will get the value of r from here. Radius you will get as 7/2. Now find the volume. Yes, volume is 4/3 πr³. Radius is 7/2 into 7/2 into 7/2. रख दो वहीं पे, मैं ले लूं। हाँ जी, क्या कह रहे हो? क्यों बात है?
4/3 πr³ होता है। अगर स्क्वेयर लिखोगे तो फिर सेंटीमीटर स्क्वेयर यूनिट बनेगी, तो वो तो एरिया हो जाएगा, वॉल्यूम थोड़ी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन नंबर 8। ए डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फीयर, फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉल्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 498.96। If the cost of the whitewash is rupees 2 per square meter, find the inside surface area. हाँ जी, total cost given है, cost of 1 centimeter square given है, दोनों को divide करके क्या आ जाएगा? Inner जो dome है ना, उसको अंदर से color करने की cost दे रखी है। जब आप total cost को 1 meter की cost से divide करोगे तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, समझ आई? अगर इनर की बजाय ये कहा होता कि वॉल्यूम की कर्व दे रखी है, फिर क्या करते? तो वॉल्यूम आ जाता डिवाइड कर, और अगर आउटर कहता तो दोनों को डिवाइड करके आउटर वॉल्यूम आ जाता। जो कह रहा है वही वाली चीज आ जाएगी डिवाइड करके। वॉल्यूम कहेगा, वॉल्यूम तो हो नहीं सकता, अंदर कहाँ कलर करेंगे, ठीक है? या तो आउटर आएगा या इनर आएगा। अगर इनर की कॉस्ट दे रखी है तो डिवाइड करके इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, और अगर कॉस्ट आउटर की दे रखी है तो डिवाइड करके आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है? हमेशा इनर नहीं आता, जहां कलर किया वो आएगा। अब बाहर से कलर किया तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। टोटल कॉस्ट 498.96 कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर इज रुपीज 2, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 492 डिवाइडेड बाय 90, 498.96 डिवाइडेड बाय 2 है, मेरे बुक में तो 2 दे रखी है, 20। चलो एक्चुअली किसी बुक में, पहले वाली बुक में 2 है, जो बाद में बुक्स आई है उनमें 20 दे रखी है। चलो 20 से कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो मैं फिर अपनी बुक के अकॉर्डिंग करवा देती हूँ, ठीक है? आप कर लेना होगा। ये आ गई इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आशना क्या होता है? डोम का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलो, बोलो ऋषभ। डोम जो है हेमिस्फीयर है, उसका इनर कर्व सरफेस एरिया कितना? 2πr² यहाँ से आपके पास, आपने क्या करना है, ये फाइंड करना था, फर्स्ट स्टेप नहीं हो गया। अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है डोम का। और वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है वॉल्यूम? आर्यन, आर्यन कह रही, अर्नब दोबारा बोलो, बोलो 2/3 πr³। अब होता है डोम का जो वॉल्यूम होता है 2/3 πr³ होता है, आर तो है नहीं आपके पास, तो पहले वहां से आर फाइंड करोगे, उसे सॉल्व करोगे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होएगा? 2πr² सॉल्व कर लो इसे, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 249.48 इंटू 7/2 इंटू 22। कटिंग कर लो, 2 1 2 2 2 4 2 7 2 4, फिर से 2 से कटिंग कर लो, 62.37 इंटू 7/11। या कर सकते हैं, ये करके देख लेते हैं डिवाइड होता है कि नहीं। 11 1 11 5 हो रहा है पूरा डिवाइड, ये आ गया 5.67 इंटू 7। करो इसे मल्टीप्लाई,
अब इसका फाइंड करना है स्क्वेयर रूट, बता सकते हो? याद है उस दिन सिखाया था? फिर से देख लो एक बार, राइट साइड से टू टू के पेयर बनेंगे, सिक्स सिक्स जा माइनस करके ये पूरा पेयर 69, सिक्स का डबल 12, कौन सी डिजिट लिखे कि मल्टीप्लाई करके ये आ जाए, ये 3 यहाँ चला जाएगा, आंसर क्या आ गया? तो रेडियस कितना आ गया? यूनिट मीटर, मीटर आ गया। अब निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे राघव? बैठ जाओ, मैंने आपको पहले भी बोला था, वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर से बता दो फिर एक बार। डर गया, सच में डर गया, तो डर हो गया एक्चुअली। वो इसलिए डरा है कि दोबारा ना खड़े होना पड़ जाए, है ना? चलो 2/3 πr³ लगाओ वॉल्यूम का फॉर्मूला। अभी जैसे शर्म तो नहीं आती? हाँ, पोजीशन में आते हैं तेरा नाम, और ये हालत है तेरी। पैसे दिया नहीं, कुछ किया नहीं, और क्या कुछ करेगा? हैं, टेस्ट क्यों नहीं दिया? कोई बात नहीं, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती हूँ, कल थे मम्मा घर पे, फिर भी नहीं टेस्ट दिया। कल परसों था? हाँ, मम्मा को पता था टेस्ट है? क्या कहते, रहने दो, वेरी गुड बेटा, मत दो, रेस्ट करो, थक जाओगे, ऐसे ही हाथों में दर्द होगा, टेस्ट दे दो। हैं, फर्स्ट पीरियड में सुबह सुबह 9 बजे चले गए काम कहीं पर, सारे हैं, क्या कह रहे हैं? कोई क्लास नहीं लगाई? अटेंडेंस ही लगनी चाहिए, तो पता ही है। If you attend all the classes, then only you will be marked present. मैंने खुद पढ़ा मैसेज, मैं तो हूं नहीं ना जैसे ग्रुप में, और मैंने खुद भी अनाउंस की थी ये बात, आपकी क्लास में नहीं की क्योंकि टेस्ट था, बाकी क्लासेस में तो अनाउंस भी किया था साइड बाय साइड। वॉल्यूम ऑफ क्या फाइंड कर रहे हैं? डोम। अब एक बात सुनो, 6.3 × 6.3 क्या होगा? यही होगा 39 point। तो नीचे रखो, आप से तो मैं बोल रही हूँ, आप तो बोल ही कुछ नहीं रहे, रेस्ट मोड पे हो तब भी लगे हुए हो। 44 × 3 × 39.69/10, ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई, 132 × 39.69/10, करो मल्टीप्लाई, डेसिमल लगाओ, दैट विल बी द वॉल्यूम। आंसर बोलो क्या आ रहा है? रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड 2-3 questions are left, and tomorrow definitely we will start with a new chapter, that is quadrilateral. Quadrilateral होना चाहिए। Answer बोलो। 5, 0, 3, decimal, 5239.038 m³. This is the volume. आपसे, मैंने आपको बता रही हूँ, मैं आपसे पूछ नहीं रही।